हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल निकाय है, उसकी अपन है आज बात करेंगे। देखिए, अपन ने अपनी प्रीवियस वीडियोज जो है उनमें अपन ने देखा कि भी आपके कोलाइडिविलियन हैं, उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, निलंबक का देखा था और साथ में वास्तविक विलयन। और फिर अपन ने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने कोलाइडल विलयन और आपका जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है उसमें डिफरेंस है वो पढ़े थे। आज अपन इसमें बात करें कोलाइडल सिस्टम वास्तविकता में होता क्या है, क्या क्या कंटेंट इसमें काम में आते हैं, कौन कौन सी जो कंडीशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और इनके जो बने हुए जो सॉल्यूशन हैं, जो विलयन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए अपन किस तरह से जो है अलग अलग जो आपके आपके जो सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं उसके टाइप्स की भी अपन यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि भाई आपका कोलाइडल विलयन होता क्या है। तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि भाई वास्तविक विलयन की अपन बात करें उसके कणों का आकार और जो आपके निलंबक है उसके कणों के आकार का उनके जो जो है अपन क्या करें उनके दोनों का बीच का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, आपका कोलाइडल विलयन कहलाता है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन है उसके कणों के आकार को क्या करें अपन बढ़ा दें और जो निलंबक कण है उनका आकार अपन क्या कर दें, कम कर दें। तो इस प्रकार जो अपने पास विलयन प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोलाइडल विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका आपका कोलाइडल विलयन है दरअसल वास्तविक विलयन और निलंबक इन दोनों के मध्य का जो विलयन है वो कहलाता है। ये क्या है, ये वास्तविक कोलाइडल विलयन है वो है। अब यहाँ पर अपन देखिए, अपन यहाँ पर जो चीज़ बात करें कि अगर अभी अपन ने कहा कि ये किसकी किसकी बीच का है, तो वास्तविक विलयन एक तो वास्तविक विलयन और आपका दूसरा कह दें निलंबन या निलंबन इन दोनों के क्या होता है मध्य का विलयन होता है। तो भाई इन दोनों के मध्य ये विलयन आपको देखने को मिलेगा, तो वास्तविक विलयन और निलंबक इन दोनों के मध्य। अब यहाँ पर अपन बात करें कि इसको तो क्या करें, बढ़ा दें, इसको बढ़ाएं और निलंबक को क्या कर दें भाई, आपके कम कर देते हैं कि निलंबक को क्या करें अपन कम करें, तो इसकी जो बीच की स्थिति होगी वही आपके किसकी होगी, कोलाइडल विलयन की स्थिति होगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी माध्यम में अगर अपन इनके वितरण की बात करें तो ये माध्यम में किस तरह से उपस्थित हो सकते हैं, तो इनके लिए बताया गया है कि इनमें जो कणों का आकार है, क्या बताया है, इनमें जो कणों का आकार है वो कितना देखने को मिलेगा, आपको जो पहले आपके बताए थे कि 10 की घात माइनस 7 से 10 की घात माइनस 5 के बीच जो है वो आपको इनमें कणों का आकार देखने को मिलेगा, 10 की घात माइनस 7 सेमी से 10 की घात माइनस 5 सेमी इसके बीच में आपको ये जो कण है इनके आकार देखने को मिलेगा। एक तो इस तरह से दिखा दें या फिर कह दें कि भाई ये क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच इनके कणों का आकार है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से क्या बता सकते हैं कि जो कोलाइडल विलयन है वो क्या है, इस प्रकार व्यवस्थित है। इसी तरह से बात करें कि अपन ने कोलाइडल विलयन के लिए बात की थी कि भाई ये क्या होता है, भाई विषमांग मिश्रण विलयन होता है। कैसा होता है, तो यहां पर क्या बताया गया, सामान्यतः ये जो है दो प्रावस्थाओं में पाया जाता है। कितनी पाई जाएगी, दो प्रावस्थाओं में ये पाया जाता है।
ठीक है, ये दो प्रावस्थाओं में ये पाया जाएगा। जिसकी अपन बात करें, एक होती है आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था, ये क्या आपका परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा है आपका परिक्षेपण माध्यम। अब यहां पर ये चीज समझनी आपको कि दो प्रावस्थाओं के रूप में अपने इसको रखा है। सबसे पहले बात करें जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था है वो किसे कहेंगे, किसके बारे में, परिक्षिप्त प्रावस्था कि जिसमें आपका एक विलेय पदार्थ कणों के रूप में क्या हो, उपस्थित हो, क्या कहलाएगी प्रावस्था आपकी, ये पदार्थ क्या हो, आप इसमें आपका क्या हो, कणों के रूप में क्या हो, फैला हुआ, ये कहलाएगी परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, आप इसको एक तरह से विलय बोल सकते हो कि विलय जो अपन ने बोला है। अब दूसरी चीज सुनिए, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब है कि जिसमें अपन ने क्या किया है, बोला है, तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, विलायक में विलय, क्या कह सकते हैं, जिसमें विलायक फैला रहता है, क्या कहते हैं, जो है मिलाया हुआ, या फिर कहते हैं फैले हुए कण, कह सकते हैं। इसमें क्या है परिक्षेपण माध्यम में, कि भी ये क्या है, एक तरह से विलायक होता है परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षिप्त प्रावस्था इसमें विलय पदार्थ होता है। तो ये विलय के लिए अपन बात करें तो इस तरह से हो सकता है। अब यहां पर चीज सुनिए कि भाई इस हिसाब से अपन बात करें तो ये क्या है आपका, एक विषमांक तंत्र हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक विषमांक क्या हो जाता है, तंत्र है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि इस तरह का कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलय कहते हैं, या फिर कहते हैं कोलाइड बोल सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे अब, ये जो दोनों स्थिति हैं इनको बोलेंगे कोलाइड, कोलाइड्स, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे कोलाइड्स। और ये कोलाइड्स जो है अपन कह दें, या कह दें कि आपका ये कोलाइड विलयन इनसे बना होता है, दो प्रकार के विलयन से बना हुआ है, कौन कौन से, जिसको अपन एक तो बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था जिसमें अपन ने विलय, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम जिसमें आपका विलायक बुला हुआ है। इसको बोला जाता है आपके डिस्पर्स्ड फेज, और इसको बोला जाता है डिस्पर्शन फेज। देखिए दोनों में नाम का थोड़ा जरा सा अंतर है, एक है आपके डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्शन फेज, ठीक है। ये किसका निर्माण करती है, कोलाइड विलयन का निर्माण करती है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि भाई अपन ने क्या किया, ये आपका कोई पात्र है, ठीक है, इसमें अपन ने सोने का विलयन बनाया, ये क्या है सोने के कण है, वो इसमें अपन ने क्या किए आपके रोल दिए। अब यहां पर चीज समझनी है कि अगर ये जल का विलयन है तो जल आपका क्या है, यहां पर परिक्षेपण माध्यम है, क्या है परिक्षेपण माध्यम है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गोल्ड है, क्या है, सोने का कह सकते हैं। तो यहां पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो किसके हैं, सोने के कण। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम अपन ने पानी लिया तो पानी, या किसी और का लेते हैं तो भी, तो आपको ध्यान रखना है अभी पानी लिया है तो पानी का परिक्षेपण माध्यम हो जाता है। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, कोलाइड विलयन का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर बात करें कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस कणों के
अतिरिक्त अगर यहाँ पर बात करें कि जैसे मान लो अपन ने प्रिंसिपल प्रावस्था कौन सी लिए, ठोस लिए, गोल्ड क्या होता है, ठोस होता है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसके स्थान पर है ना, अपन क्या लिख सकते हैं, ये ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ये देखिए अपन जब समझेंगे, जब इनके अपन एग्जांपल्स देंगे और उसमें अपन बात करेंगे कि ये इसमें इस अवस्था के अंदर पाया जाता है। हालांकि बताया गया है कि ये जो आपके परिक्षेपण प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम जो है सामान्यतः 8 प्रकार से क्या है आपका पाया जाता है या व्यवस्थित होता है। इसी तरह से बात करें जैसे अपने परिक्षेपण प्रावस्था के लिए कहा कि भाई ये ठोस द्रव गैस तीनों में उपस्थित हो सकता है, उसी तरह से आपका जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, वो द्रव हो सकता है, वो आपका गैस हो सकता है और वो आपका ठोस हो सकता है। तो ये इसमें जो मुख्य दोनों के अंदर बातें हैं वो है। अब यहां पर बात करें कि अगर मान लो अपन ने इनके रीजन बनाए, ठीक है, क्या ये परिक्षेपण माध्यम की बात करें, अगर आपका परिक्षेपण माध्यम है अपन किसका लें, पानी का लें, ठीक है, यहां पर क्या चीज बताई है कि मैंने सिर्फ पानी का परिक्षेपण माध्यम लिया है, तो क्या बताया गया है, इस तरह से जो कोलाइड बनाया जाएगा उसमें इस जल के विलयन को क्या है, या तो कह दें हाइड्रोसोल या फिर कह दें एक्वासोल, इसके नाम से क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है हाइड्रोसोल या फिर कह दें एक्वासोल, उसके नाम से क्या होगा ये जाना जाएगा। यहां पर जो चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ये इन्हीं से रिलेटेड क्या किया गया, इनका नाम लिखा गया है तो इन्हीं को इसी से नाम से बुलाते हैं कि हाइड्रोसोल जल से बनाए, एक्वासोल तो वापिस बात तो वही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई क्या लिखा है, परिक्षेपण माध्यम अपन ने पानी का लिया है, हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोलेंगे। इसी प्रकार अगर अपन क्या ले, परिक्षेपण माध्यम जो है अपन यहां पर किसका ले लें, अगर बेंजीन का ले, क्या ले लें, बेंजीन का, तो इसे बेंजोसोल बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोसोल बोलेंगे। इसके अलावा बात करें अगर यहां पर अपन एल्कोहल लेते हैं, यहां पर क्या लेंगे, एल्कोहल, तो इसको एल्कोसोल बोला जाता है। अगर यहां पर अपन कोई कार्बनिक पदार्थ लेते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो इसके इसे ऑर्गेनोसोल बोला जाता है। देखिए आपके अगर बात करें तो यहां पर जो अभी लास्ट वाले जो नाम बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पानी का विलयन है तो उसको हाइड्रोसोल, एक्वासोल, अगर बेंजीन का है तो बेंजोसोल, और अगर एल्कोहल है तो एल्कोसोल, और अगर कोई कार्बनिक पदार्थ है इसको ऑर्गेनोसोल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लास्ट सुनना है, अगर यहां पर अपन बात करें, अगर यहां पर अपन ने क्या लिया है, आपका परिक्षेपण माध्यम क्या लिया है, हवा लिया है, तो इसे एरोसोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे, एरोसोल नाम से। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो लास्ट वाले चारों नाम हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा यहाँ पर कणों का आकार कोलाइडी कणों के लिए ये, दूसरी जो प्रावस्था है और इनसे रिलेटेड इनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल्स तो हैं, एग्जाम्पल्स इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि भी इसके एग्जाम्पल ये कौन कौन से, किस तरह से, कौन परिक्षेपण अवस्था है, कौन माध्यम है, ठीक है। तो इसमें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो 8 प्रकार के कोलाइड विलयन जो बनाए जाते हैं जिसमें अपन परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, कणों का आकार और उसमें उदाहरण, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो वीडियो कोलाइडल सिस्टम से रिलेटेड था, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।